इसके इसके बीच का मुझे ग्राफ है, रूट काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है। हाँ, रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स एक्सिस पे पहले मोमेंटम का बनाएंगे और बाद में ग्राफ बनाएंगे रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वन बाई मोमेंटम का, ठीक है? ऐसा ग्राफ बनाना है तो इन दोनों में रिलेशन एक लिखना पड़ेगा। जो ग्राफ बनाना है उसका इक्वेशन चाहिए ना, तो ग्राफ मेरे पास इक्वेशन ऐसा कुछ है मेरे पास, रूट टू एम के बराबर होता है पी, यही होता है ना, पी इक्वल टू रूट टू एम के। तो ये एम में तो कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे भी कांस्टेंट है, ये रूट टू एम जो है ये कांस्टेंट है, खाली मेरे काम का क्या है रूट के और पी। तो इसको वाई एक्सिस पे रखना है, इसको एक्स एक्सिस पे। तो ये इक्वेशन मुझे दिख रहा है कि वाई इक्वल टू कुछ एक्स जैसा है, और ये तो कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा, उधर जाएगा भी डिवाइड होके, तो रूट के बराबर ये नीचे डिवाइड हो जाएगा वन बाई रूट टू एम इंटू पी आएगा ऐसा। तो इसको मान लीजिए वाई, तो वाई बराबर ये कैसा ग्राफ है, एम एक्स जैसा ग्राफ है कि नहीं। तो एक्स एक्सिस पे रखेंगे आप पी और वाई एक्सिस पे रूट के रखेंगे ऐसे रूट के, तो यही मेरा वाई है और ये पी क्या है एक्स, तो वाई बराबर एक्स जैसा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये वन बाई पी जैसा अगर पूछेगा तो कैसे करेंगे, मतलब दूसरा ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ तो समझ में आ गया ना। हाँ, अभी जो सेकंड ग्राफ है ये रूट के और ये वन बाई पी मुझे लेना है, जबकि मेरे पास रिलेशन ऐसा आया हुआ है पिछले बार वाला, रूट के इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू पी आया है, डायरेक्ट रिलेशन है, राइट? तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, अगर मैं पी को ज़ीरो लिखूँगा, इस बार मुझे एक्सिस कौन सा तैयार करना है, इधर वन बाई पी रखना है और इधर रूट के लिखना है, और मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है? तो अभी k को अगर किसी ने ज़ीरो किया, k ज़ीरो मतलब y एक्सिस ज़ीरो, k ज़ीरो मतलब कौन सा एक्सिस ज़ीरो, y, तो y एक्सिस का वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होता है, ऑन x एक्सिस। तो जब मैं k को ज़ीरो करूँगा तो p भी क्या आ जा रहा है, ज़ीरो। लेकिन x एक्सिस पे यहाँ p नहीं है, ये वन बाई पी है, तो वन बाई ज़ीरो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब कि इस वन बाई पे पी का वैल्यू इन्फिनिटी पे चला जा रहा है अगर मैं रूट के का वैल्यू क्या रख रहा हूँ, ज़ीरो। तो यानी वाई जब ज़ीरो होने की कोशिश करेगा तो ये वन बाई पी कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वैसे इन्फिनिटी पे। वैसे ही दूसरे साइड में भी ऐसा होगा, क्योंकि दूसरे साइड में वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है, एक्स ज़ीरो होना मतलब वन बाई पी ज़ीरो होना, क्योंकि एक्स एक्सिस में मैं क्या लिया हूँ, वन बाई पी। तो जब वन बाई पी ज़ीरो कब टेंड करेगा, जब पी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो वन बाई पी ज़ीरो टेंड करना मतलब वाई एक्सिस पे चले जाना, तो हम वन वाई एक्सिस पे जाने की कोशिश करेंगे तो पी को मुझे क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, तब ना वन बाई इन्फिनिटी बराबर ज़ीरो होगा, ठीक? तो इस तरह से ये पी इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो के भी किसके तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो रूट के वर्सेस पी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन रूट के वर्सेस वन बाई पी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो ये जीरो हो गया तो हाँ, दोनों चेक करते हैं। ये एक्स और वाई में लिख दिया ऐसे, जैसे टेंथ क्लास में करते थे वैसे लिख दिया एक्स वाई, और मेरा रिलेशन है रूट के इक्वल टू पी। तो एक बार वाई को ज़ीरो करते हैं, एक बार एक्स, दोनों चेक करते हैं। तो एक बार मैं वाई को ज़ीरो कर दिया, वाई को ज़ीरो, वाई ज़ीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, तो वाई ज़ीरो मतलब रूट के का वैल्यू मैं लिख दिया ज़ीरो। तो ये रूट के जैसे ही ज़ीरो हुआ, इसने पी को भी क्या कर दिया, ज़ीरो, क्योंकि रूट के बराबर ही पी था मेरा। तो पी जैसे ही ज़ीरो हुआ तो वन बाई पी क्या हुआ, यहाँ तो वन बाई पी है ना, मेरा एक्स एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया। तो इसका मतलब जब वाई एक्सिस को मैं ज़ीरो रख रहा हूँ तो मेरा एक्स एक्सिस कहाँ चला जा रहा है, इन्फिनिटी। तो ये ऐसे इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ ऐसे हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ वो इन्फिनिटी की तरफ हो जाने लग रहा है वाई ज़ीरो करने के लिए। अब दूसरे साइड में लेते हैं, इसको मैं ज़ीरो रख दिया, एक्स एक्सिस को मैं ज़ीरो रख दिया, यानी वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम। तो एक्स एक्सिस को जब ज़ीरो रखे तो एक्स क्या था, वन बाई पी, एक्स को ज़ीरो करना मैंने वन बाई पी को ज़ीरो माना, वन बाई पी को क्या माना, ज़ीरो। तो पी को इधर ले आइए, ज़ीरो को नीचे ले जाइए, तो पी बराबर क्या आ गया, वन बाई ज़ीरो, और वन बाई ज़ीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यानी ये पी किधर स्टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, और जो पी है वही क्या है, रूट के, यानी रूट के इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है।
मैं जैसे ही 1/p को 0 कर रहा हूँ, यानी y एक्सिस पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि y एक्सिस पर ही x 0 होता है, तो ये रूट के जो है ना, रूट के वो भागने लग रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इस दोनों तरफ, इधर भी इन्फिनिटी गया और इधर भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो ये हाइपरबोला बोलते हैं इस ग्राफ को।